आप सबको फिर से एक बार मेरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आज का ये सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस सेशन को आप पूरा देखिए। मैं आप लोग को लोक नृत्य बाहर करा रहा हूँ। लोक नृत्य का मतलब हम समझ रहे हैं, लोक नृत्य को बाहर करना इतना सिंपल नहीं है। एक्चुअली हम बाहर कर ही नहीं रहे, हम चीजें तो समझने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैं चीजें आपको समझाने वाला हूँ, ना कि रटाने वाला हूँ। चीजें यहाँ पे मेमोराइज, आपको कोई पूछ लेगा महाराष्ट्र तो आप ये चीजें नहीं याद करेंगे, आपको स्टोरी याद करनी है। स्टोरी आप समझ रहे हैं, स्टोरी, ठीक है। जिस तरह से मैंने पीरियड टेबल को खत्म किया है और जिस तरह से मैंने कैलेंडर, जितनी भी सारी चीजें मैंने मेमोरी ट्रेनिंग के अंदर ली हुई है, सबकी सब एक ही ट्रिक से ली गई है। अब डैम रिवर मैंने आपको पढ़ाया था, वो भी उसी ट्रिक से है जिस ट्रिक से ये वाला है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने लोक नृत्य के ऊपर चार नाम देखे थे, ठीक है। आज हम फिर से चार देखेंगे और आठ हो जाएगा। इसके बाद फिर अगर आप रिस्पांस अच्छा करते हो तो फिर आगे भी मैं उसको कंटिन्यू करके आपको पूरे के पूरे स्टेट के लोक नृत्य बता दूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं और महाराष्ट्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, बिहार और असम के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, ठीक है। ज्यादातर महत्वपूर्ण लोक नृत्य इसके अंदर कवर किए गए हैं। मैंने कोशिश की है कि सारे लोक नृत्य को कवर किया जाए, अब लगभग सारे लोक नृत्य को कवर किया गया है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ, ठीक है। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस इनसे बनते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, असम से ज्यादा उत्तर प्रदेश से पूछे जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। चलिए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। आइए पहला देखते हैं मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा असम। तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को हम किससे इंडिकेट करते हैं, मध्य प्रदेश को हम किससे इंडिकेट करते हैं? अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आप विदाउट देरी किए बता सकते हो, मध्य प्रदेश को हम एमपी से इंडिकेट करते हैं। देखिए मैंने आपको बोला था कि मैं दोनों वर्ड को साथ में कंबाइन करके लेके चलता हूँ, दोनों वर्ड। अब यहाँ पे एक वर्ड को हम कॉमेडी इमेज बनाएंगे, फिर इसके कॉमेडी इमेज को बनाएंगे, फिर दोनों कंबाइन कर देंगे, ताकि हमको इसके नाम सुनने के मात्र बाद ही तुरंत हमारी स्टोरी हमारे माइंड में आनी चाहिए। नहीं तो हम बहुत सारी स्टोरी साथ में रट लेंगे तो हम बाद में खुद कंफ्यूज हो जाएंगे किस स्टेट का स्टोरी है ये, इसलिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जितने भी चीजें मैं बताऊंगा लगभग इससे मैच करते हुए रहेंगे वो, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को हम एमपी से इंडिकेट करते थे, मध्य प्रदेश को किससे इंडिकेट करते हैं, एमपी से। इसी तरह से आप पूरे के पूरे 28 स्टेट को बना लीजिए, एक पेज पे बना लीजिए कि किससे किस वर्ड को इंडिकेट करते हैं। गुजरात को गुजारा राज से, उत्तर प्रदेश को राइट हैंड से, उसी तरह से मध्य प्रदेश को एमपी से, राजस्थान से राजा को, उस तरह से, ठीक है। तो आइए मध्य प्रदेश को हम एमपी से इंडिकेट करते हैं। एमपी में कौन कौन से है, मटकी, ज्वारा, गिद्र, फूलपत्ति, सलोलार की, खाड़ा नाच, अड़ा, ये महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। आइए इसकी स्टोरी बना के हम समझ लेते हैं। अब जब मैं स्टोरी का नाम ले रहा हूं तो आप फटाफट इमेजिन करना स्टार्ट कीजिए, आपको आंख बंद करनी, आंख बंद करिए, बट जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा स्ट्रांग स्टोरी बनाइए माइंड में कि वो रियल में आप देख रहे हैं। जिस तरह से मूवी देखते हैं आप, छोटा फिल्म देखते हैं, छोटा फिल्म में कोई चीज रियल नहीं होता फिर भी आपको स्टोरी याद रहती है, सेकंड टाइम आप देखते हो तो आपको स्टोरी याद रहती है। उसी तरह से जो चीजें मैं यहाँ पे स्टोरी बताऊंगा आप इमेजिन कीजिए कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो चीजें आपके सामने चल रही है और वो आप भूलने वाले नहीं है। जितना ज्यादा आप इमेजिन करके स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें याद रहेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक मध्य प्रदेश का एमपी है, या सिर्फ एमपी है, एक एमपी है जो एक मटकी लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, मटकी। इमेजिन करिए कि एक एमपी, एमपी सोचो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई मटकी लेके घूमेगा तो वो मटकी लिया हुआ है और उस मटकी में ज्वार रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, ज्वार, ज्वार आप समझते होंगे, ठीक है। उस मटकी में वो ज्वार चोरी करके लेके जा रहा था, क्या करके, मटके में ज्वार लेके चुपचाप जा रहा था, अचानक उसको गिद्ध देख लिया, उसको गिद्ध, गिद्ध आप जानते रहेंगे, उसको गिद्ध देख लिया उसने, और उस गिद्ध ने क्या कर दिया, उस एमपी को दौड़ा लिया, और जब उसने दौड़ाया तो वो अपनी जान बचाने के लिए फूल पत्ती, एक फूल की झाड़ियां थी, फूल पत्ती की झाड़ियां थी, उस झाड़ी के पीछे जाके बैठ जाता है चुपचाप, चुपचाप क्या करता है, बैठ जाता है, अर्थात छुप जाता है। ऐसा इमेजिन कीजिए स्टोरी चल रही है, वो फूल पत्ती के पीछे जाके क्या हो जाता है, छुप जाता है, और गिद्ध बहुत सतर्क होता है और वो बहुत चारों तरफ ध्यान मारता है और उसको दिख जाता है कि ये फूल पत्ती के पीछे छुपा हुआ है, और वो उसको बोलता है कि साले, क्या बोलता है, साले ठरकी, ध्यान से सुनिए, उसको बोलता है साले ठरकी, तो साले यहां पे ले है, ठीक है, साले ये ले है, क्या बोलता है उसको, साले ठरकी,
उसको बोलता है साले ठरकी। तो साले से साले हो गया लड़की, ठीक है, लड़की से ठरकी। तो साले ठरकी, अब जब उसको बोलता है साले ठरकी तो वो अचानक से खड़ा हो जाता है, ठीक है, बैठा रहता है, अचानक खड़ा हो जाता है और बाहर निकलता है। अब उसको बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे मत खाओ, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा काम नहीं करूंगा। फिर वो उसको गिद्ध बोलता है कि चल खड़ा होके नाच कर, डांस कर, खड़ा होके नाचेगा मेरे सामने, तू खड़ा होके नाच, उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। अब वो एक एमपी है तो उसको शर्मिंदगी फील हो रही थी कि मैं खड़ा होकर नाचूंगा कैसे, ठीक है, तो उसको बोला कि खड़ा होकर नाच तभी मैं तुझे छोड़ूंगा। अब जब वो खड़ा होकर नाचने लगा, नहीं नाच रहा था वो, खड़ा होकर नाच ही नहीं रहा था क्योंकि वो भी अपने जिद पे अड़ गया कि मैं नहीं नाचूंगा, कुछ और काम बोलिए। बट जो गिद्ध था वो भी अड़ा हुआ था, अपने काम पे अड़ा हुआ था, बोला कि नहीं तू आज नाचेगा तभी तुझे छोड़ूंगा। तो वो भी क्या हुआ था, अड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये हो गई लॉन्ग स्टोरी, बट इसको आप शॉर्ट में कैसे समझेंगे, देखिए, एक एमपी मटकी में ज्वार लेके जा रहा था, गिद्ध ने देख लिया, वो फूल पत्ती के पीछे जाके छुप गया। फिर से गिद्ध ने उसको देखा और बोला साले ठरकी यहाँ छुपा हुआ है। फिर उसको छोड़ने के लिए उसने बोला कि खड़े होके नाच, खड़ा होके नाचेगा तब मैं तुझे जाने दूंगा। बट वो भी जिद पे अड़ गया, किस पे अड़ गया, जिद पे अड़ गया, या सिर्फ अड़ा हुआ था, वो भी अपने जिद पे अड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये हो गई मध्य प्रदेश की। अब आप याद कर सकते हैं मटकी में ज्वार था, अब एमपी से मैंने क्यों एमपी बोला, एमपी लेके जा रहा था क्योंकि अब जब आप मध्य प्रदेश देखेंगे तो आपको एमपी याद आएगा। तो एक एमपी मटकी, जैसे एमपी याद आएगा तो एक एमपी था जो मटकी में क्या लेके जा रहा था, ज्वार लेके जा रहा था, ठीक है। तो मटकी, ज्वार, गिद्ध देख लिया फूलपति के पीछे, साले ठरकी, खड़ा नाच और उसी पे अड़ा हुआ था। आइए सेकंड देखते हैं, ये इमेजिन करिए आप, सेकंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गाफा कोली लेजी नकाटा लावनी, ठीक है। तो अब महाराष्ट्र से हम महाराजा को इंडिकेट करते हैं, किसके, महाराजा को। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि महाराजा की जो वाड़ी होती है, ठीक है, महाराजा की जो आवाज थी वाड़ी, वो किसी ने चुरा ली वाड़ी, ठीक है, आवाज जो होती है वो किसी ने चुरा ली। ऐसा होता नहीं है बट आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि महाराजा की वाड़ी किसी ने चुरा ली। अब देखिए स्टोरी, महाराजा की वाड़ी से चुराने वाला था वो था कोहली, कौन था, कोहली, विराट कोहली, ठीक है। तो उसने देखो महाराष्ट्र एक गुफा में गया, कहां गया, महाराजा एक गुफा में गया, गुफा में देखा कोहली था, गुफा में उसने देखा कि कोहली था, कोहली लेजिम खेल रहा था। लेजिम आप जानते रहेंगे स्कूल्स में बच्चों को खिलाए जाते हैं लेजिम। तो गुफा में जब महाराजा गया तो उसने कोहली को देखा, कोहली लेजिम खेल रहा था लेजिम, और उसने उसकी वाड़ी चुराई हुई थी। तो अब आया उसको गुस्सा, उसको क्या आया, गुस्सा, उसने ऐसे तलवार उठाई और उसको मारने गया। जैसे उसको मारने गया उसने बोला कि ना काटा, ना काटा मतलब मुझे मत काटो, ठीक है, ना काटा या फिर नहीं काटो, ठीक है, ना काटा। तो उसने ना काटा से क्या हो गया, मत काटो, ना काटा, काटा मतलब काटना, ठीक है, तो मुझे ना काटो, लो आपकी वाड़ी, लो वाड़ी, ठीक है, बोला कि लो आपकी वाड़ी रख लो, मैंने चोरी की थी, आप इसकी वाड़ी को रख लो, मुझे मत काटो, ना काटा, ठीक है। तो गुफा में महाराज गए, कोहली को देखा, कोहली लेजिम खेल रहा था, उसने काटने का प्रयत्न किया, कोहली ने बोला कि ना काटा, मुझे ना काटो, ये लो आपकी वाड़ी लावनी, ठीक है, उसने उसकी वाड़ी रिटर्न कर दिया। ये नेक्स्ट बिहार दिया हुआ है, बिहार में क्या दिया हुआ है, देखिए बिहार, अब ऐसा इमेजिन कीजिए कि बिहार, एक बिहारी शाम को पान वाले के यहाँ जाता है, पनवरिया, जिसको बिहारी में पनवरिया भी बोलते हैं, इसलिए मैंने बिहार का पनवरिया बोला, ठीक है। तो एक बिहारी सो उठा शाम को पनवारी के यहाँ पे गया और पनवरिया को बोला, जो पान लगाता है पनवरिया, ठीक है, पनवरिया को बोला कि विदेशी पान लगा, क्या बोला, विदेशिया पान लगा, विदेशिया, चल रहे विदेशिया पान लगा, उसको क्या बोला, चल फटाक से विदेशिया पान लगा, और उसने पैसे पहले दे दिए और वो पैसे लेके वो चकमा हो गया। जैसे उसने उसको पैसे दिए और इधर उधर देखने लगा, वो पान वाला चकमा हो गया उसके पैसे लेके, चकवा, ठीक है, चकवा से चकमा हो गया। जैसे वो चकमा हो गया उसने देखा कि ये तो भाग गया, तो उसको गुस्सा आया, उसने गुस्से में बोला कि इस जात और जाति के लोग, कोई बुरा मत मानना, ठीक है, मैं इसी तरह से आपको याद करा रहा हूँ क्योंकि जितने ज्यादा कॉमेडी में होगी उतना ज्यादा चीज आपको याद रहेंगी। तो कोई अगर बिहारी होगा तो प्लीज बुरा मत मानना, ये सिर्फ स्टोरी है आपको बाहर करना है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर से स्टोरी बनाई हुई है ना कि अपने मन से, ये नाम देखने के बाद स्टोरी बनाई जाती है, ठीक है। तो शाम को पनवरिया के पास गया, उसने बोला कि विदेशिया पान लगा और वो पैसे लेके चकवा हो गया, चकमा हो गया। फिर उसने गुस्से में बोला कि इस जात और जाति के लोग, इस जात
जात, जात और जाति के लोग बड़े भूखे होते हैं। क्या होते हैं? बड़े भूखे। तो भूखे से भक्को, भूखे से क्या? भक्को। तो आप देखिए किस तरह से याद हुआ, बिहार, बिहारी शाम को सामा, शाम को क्या लगा? सामा को पनवरिया के यहाँ जाता है, बोलता है विदेशिया पान लगा, विदेशिया पान लगाता है और उसको पैसे दे देता है और पैसे लेके वो चकमा हो जाता है, चकमा से चकवा हो जाता है, चकवा। और उससे बोलता है कि इस जात और जाति के लोग बड़े भूखे होते हैं, भूखे से भक्को हो जाते हैं, जात जातिन से जाट और जाटिन। ठीक है, तो ये हो गए बिहार का। आज इसी तरह से असम का देख लेते हैं। तो असम, असम का क्या होगा? अब एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है, एक होमवर्क आपको देता हूं कि इस असम को आप इससे रिलेट करके दिखाइए। इसका स्टोरी तो मैं आपको बता दूंगा, इस चीज का स्टोरी मैं आपको बता दूंगा पूरा, बट असम जब मैं वर्ड बोलू आपको तो यही स्टोरी क्यों याद आनी चाहिए, ये मुझे आप कमेंट करेंगे। आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं उस कमेंट को पढ़ता हूँ। कुछ बच्चे तो इतने अच्छे हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा स्ट्रीक को बनाते हैं, मुझसे भी ज्यादा अच्छा बना पाते हैं वो, और अच्छा करते हैं वो, ठीक है। मुझे लगता है कि वो आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि वो इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बना लेते हैं वो, ठीक है, कोशिश तो कर रहे हैं, अच्छा ट्रिक बनाते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करिए और मुझे बताइए कि कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो असम को मुझे, जब मैं असम सुनू, जिस तरह से मैं बिहार सुनू तो बिहार याद आएगा, तो बिहारी से पनवरिया, महाराष्ट्र सुना तो महाराजा याद आएगा, मध्य प्रदेश एमपी, एमपी मटकी याद आ जाएगा, उसी तरह से आप असम से कनेक्ट कराइए इनको। आइए स्टोरी सुन लेते हैं कि एक गोपाल नाम का लड़का था, गोपाल नाम का लड़का खेल रहा था, गोपाल नाम का लड़का नाग के साथ खेल रहा था, गोपाल खेल रहा था नाग के साथ, गोपाल खेल रहा था नाग के साथ। उसी समय आप इमेजिन कीजिए कि गोपाल है नाग के साथ खेल रहा है, ठीक है, नाग के साथ वो क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो अब जब वो खेल रहा है तो काली गोपाल उसका फ्रेंड था, कौन? काली गोपाल उसका एक फ्रेंड था, वो फ्रेंड उसके साथ आया और उसके पास नाग था, जिस तरह से गोपाल, गोपाल के पास उसका खुद का एक नाग था और नाग के साथ खेल रहा था, उसी तरह कालिदास या कलुआ बोलो इसको, कलुआ गोपाल, और ज्यादा कॉमेडी हो जाएगा, याद हो जाएगा, गोपाल, कलुआ गोपाल आया, कलुआ उसका भाई था, कलुआ गोपाल आया, उसने बिच्छू लाया था, क्या लाया था? बिच्छू। अब वो बोला कि चल तेरे नाग और मेरे बिच्छू में देखते हैं किसमें सबसे ज्यादा दम है। दोनों को बोला कि चल इनका महारास करा देते हैं, इनका महारास, महारास मतलब रासलीला जैसे होता है ना, तो बहुत बड़ा रास करा देते हैं दोनों के बीच में, महा महाराज करा देते हैं दोनों के बीच में, देखते हैं कौन जीतता है। तो उसने बोला कि चल इसके महाराज करा देते हैं, बट नाग और बिच्छू निकले बहुत ज्यादा चालाक, उन्होंने क्या किया, चुप्पे से तालाब में घुस गए, चुप्पे से क्या, दोनों तालाब में घुस गए, उन दोनों से छुटकारा पाने के लिए दोनों ने क्या किया, तालाब की ओर प्रस्थान कर दिया और तालाब में घुस गए। तालाब में घुसने के बाद अब तो लोग पकड़ नहीं पाएंगे दोनों को, और जब दोनों तालाब में घुस गए तो वहां से उनकी चुगली करने लगे, क्या करने लगे, चुगली की, तुम लोग ऐसे थे, मुझे ऐसा चिढ़ाते थे, मुझे हम लोग को पाल के रखे थे, उनकी क्या करने लगे, चुंगली। तो चुगली, चुंगली, ठीक है, चुंगली। देखिए मैं वर्ड बहुत कम चेंज करता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं कि वर्ड चेंज ही ना करूं, क्योंकि अगर हम इन्हीं वर्ड से स्टोरी बनाएंगे, इन्हीं वर्ड का यूज करके, तो आपको वर्ड को कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा कम मेहनत करना पड़ेगा। जिसने चुंगली बोला, चुंगली करने लगे, तो चुंगली आप सुनोगे तो सीधी सी बात है चुंगली याद आएगा। काली गोपाल को मैंने कल्लू गोपाल बोला, बिच्छू, बिछुआ, बिच्छू जैसे बोलोगे बिछुआ याद आ जाएगा, महाराज, महाराज तो बड़ी हुई हो गया, तालाब तो तालाब ही रहेगा, नाग भी रहेगा, गोपाल खेल रहे तो बचा क्या। इसीलिए मैं चीजों को जल्दी चेंज नहीं करता, जिस आय से जिस रखने की कोशिश करता हूँ, साम सामा, पनवरिया पनवरिया, विदेशिया चकवा चकमा, जाट जाटिन बक्को, ठीक है। इस तरह से आपको कितनी चीजें आसान हो जाती है याद करने के लिए, इसी तरह से आप भी स्टोरी बनाइए। ये एक टेक्निक है, ना कि मैं आपको रटवा रहा हूँ, ये टेक्निक से आप पूरी की पूरी स्टोरी बना के याद कर सकते हो, क्योंकि हमारे राइट ब्रेन में, अब ऐसा मत सोचिए कि इतनी सारी स्टोरी पढ़ेंगे तो हम भूल भाल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हमारे राइट ब्रेन में जो चीजें जाती है, क्या आप एक मूवी आज तक याद कर पाए? अगर मैं आपको रिसेंट में अभी मूवी दिखाऊंगा, चार मूवी आपको साथ में दिखाऊंगा, तो आप चारों को अलग अलग नहीं कर पाएंगे? दो दो तीन तीन घंटे की मूवी आप अलग करके मुझे स्टोरी बता सकते हो कि सर इस स्टोरी में ऐसा हुआ था, इस स्टोरी में ऐसा, इस मूवी में इस डायलॉग बोला गया, ये डायलॉग बोला गया, वो कैसे याद रहते हैं? तो चार चार घंटे के आपको चार मूवी याद हो सकते हैं एक ही दिन में, तो ये चार नहीं याद हो सकते स्टोरी छोटी छोटी बना के? ये सिर्फ हमारे सोचने के ऊपर, अगर आप सोचते नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर सोचते होगा तो होगा ही, ठीक है। तो ये चार आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चार को लेके, फिर इसी तरह से हम खत्म करेंगे, ठीक है, चार चार वीडियो करके। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है प्लीज उसको कमेंट करिए, मैं कमेंट आपके देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप चीजों को कर पा रहे हैं,
और अगर नहीं कर पा रहे तो वो भी मुझे बताइए, कमेंट करिए, ठीक है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे पता चले कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, और लाइक करना ना भूले। और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ, अगर आप देखते हैं आपको भी अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करा रहा है एचपी के लिए, उसको ये चीजें अगर आपको लग रहा है कि उसको कुछ सफल मतलब मदद कर पाएंगे उसकी तैयारी में, तो उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। मुझे पता है ये तकलीफ होती है कि कोई चीज अच्छी आपको लग रही है तो आप दूसरों को देना नहीं चाहते, बट कोशिश करिए, चीजें जितनी ज्यादा फैलाएंगे उतनी ज्यादा आपको भी लाभ मिलेगा उस चीज का, ठीक है। किसी का भला करिए तो आपका भी भला होगा। तो आप इन चीज को क्या करिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि उसके लिए ये बहुत बेटर हो जाएगा, तो आप उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। सब आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चार को लेकर, ठीक है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।